मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्य हाई पावर कमेटी शांति बहाली और हालात सामान्य करने का रास्ता निकालने को लेकर छात्रों से बातचीत के लिए शाम 4 बजे जेएनयू कैंपस में जाएगी। दूसरी तरफ जेएनयू छात्र संघ ने 23 नवंबर को अपनी मांग के समर्थन और राष्ट्र शिक्षा नीति के विरोध में मंडी हाउस से संसद तक सिटीजन मार्च का आह्वान किया। इसके लिए देश भर की यूनिवर्सिटी से समर्थन मांगा है। इस बीच शिवसेना ने जेएनयू छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा है कि केंद्र के मंत्री को छात्रों से बात करनी चाहिए थी।